प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, कहाँ रहते हैं बेटा? आजमगढ़ से आए गुरुदेव। आजमगढ़, कितने लोग हैं उनके कुंड में? 3 लोग हैं, पति और बच्चा मैं। आंखें बंद करें बेटा। ओ आरोग्य राहत बैलेंस। तीन बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए बेटा अपना और सब लोग तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, जो भी रोग कष्ट से चले गए। जो बेटा पैरों की प्रॉब्लम है ना, घुटनों की प्रॉब्लम, आंतों में प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी जी, जो हार्ट की प्रॉब्लम जी, हार्ट और गर्मी बहुत लगती थी हाँ, है ना, दरबार ने सब हटाई है, क्रोध ज़्यादा था, बहुत क्रोध था जी हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ, और ये हाइपर एक्टिव था ये हीरो हाँ, ये ज़्यादा हाइपर एक्टिव, लेकिन अभी बहुत शांत है हाँ, अभी और शांत होते जाएगा, लेप करिएगा बच्चे का हाँ। कितने महीने गुरुदेव? कर लेना 6 महीने कर लेना इसको। अच्छा, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जितना है वो काफ़ी है अभी जी गुरुदेव, बाकी बहुत अच्छा है और सब अच्छा होता जाएगा। आप चल फिर के देखिए, उठ बैठ के कोई भी कष्ट और रोग बचा नहीं है, चल फिर के देखिए, मूवमेंट करिए। आप कोई कष्ट कहीं? जी नहीं, अभी तो गुरुदेव कोई कष्ट नहीं है, ऐसे ही रहोगे जी हमेशा। आपकी बहुत दया रही है गुरुदेव, हमें हर 2 महीने पे टाइफाइड का टेस्ट करवाना पड़ता था, हमेशा बुखार बना रहता था गुरुदेव। अब नहीं आएगा बुखार, तंग आ गए थे, इंजेक्शन लगवाते लगवाते। अब नहीं आएगा बुखार। एक विनती है गुरुदेव। हाँ बेटा बोलिए। हम जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, हम चाहते हैं उसको करना लेकिन कर नहीं पाते हैं और आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है। आँखें बंद करिए, पति में भी मेरे में भी। कोई बात नहीं बेटा, आँखें बंद कर। ओम आलस नष्ट कर दिया पूरी तरह, जागृति रखी जाए, दिन में जागना है खूब, रात में सो जाना है। बैलेंस, सभी आलस हटा दीजिए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन कीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खूब खुश रहो बेटा। एक इच्छा है जो मन में कहना चाहते हैं। कहिए कहिए, मन में कहिए। सही हो गलत तो गुरुदेव माफ करिएगा। कोई बात नहीं, माफ करिए। ओम आँख खोलिए, अच्छा नहीं, पर्याप्त, खुश रहिए।